राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सैयद हैदर इकबाल की संस्तुति पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा मुनीर अहमद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद का महानगर बरेली का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। महानगर अध्यक्ष के पद पर मुनीर अहमद के मनोनीत किए जाने के बाद बरेली पहुंचने पर मुनीर अहमद के समर्थकों एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद बरेली के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बरेली पहुंचने के बाद नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष शाह नूर आलम, प्रदेश उपाध्यक्ष इरशाद अहमद, हाफिज सलीम, इसरार अहमद, हसीन बाबू, जहीर अहमद, इरशाद चौधरी, अनस रजा, मोनिस अजहरी, समीर अहमद, फराज अहमद, इमलाक अंसारी आदि उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के जिला अध्यक्ष शाह नूर आलम ने नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष मुनीर अहमद का परिचय कराते हुए बताया कि मुनीर अहमद को राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद इकबाल हैदर की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद द्वारा महानगर अध्यक्ष मनोनीत करके जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरते हुए अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई गई है उनका लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस तरह अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ेगा और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास धरातल पर प्रदेश की जनता को दिखेगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के नव मनोनीत महानगर अध्यक्ष मुनीर अहमद ने बताया कि कुंवर सैयद हैदर इकबाल राष्ट्रीय अध्यक्ष की संस्तुति पर प्रदेश नेतृत्व ने हमें बरेली महानगर की जो जिम्मेदारी दी है उसमें सबसे पहले हम महानगर कमेटी का गठन कर अल्पसंख्यक समाज में आने वाले सभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर संगठन विस्तार करेंगे। महानगर अध्यक्ष मुनीर अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो जनहित और जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है उन समस्त योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधे जनता तक पहुंचाने का कार्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के कार्यकर्ता करेंगे जिससे योजनाओं का सीधा लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिलेगा और अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारे देश में धरातल पर देखने को मिलेगा। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आज के संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं शाहनूर आलम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद का जिला अध्यक्ष बरेली से। सर ये हमारी जो आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है मुनीर अहमद साहब जिनको जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इस सिलसिले में ये प्रेस वार्ता हमने की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद किस तरह के अल्पसंख्यकों के बीच में कार्य करेगा? सर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन सब के लिए जो भी योजनाएं गवर्नमेंट से सरकार के द्वारा निकाली जाती हैं वो उन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। उनको कोई परेशानी कोई दिक्कत होती है उनके साथ में खड़े होने का कार्य करेगी उनकी परेशानियों को दूर करने का कार्य करेगी। हमारे तरीका होगा जो सरकार की योजनाएं आपके संगठन के माध्यम से जनता तक पहुँचेंगी। सर हमारा क्षेत्र वाइज हमारे जो कमेटी के लोग हैं हमारी जो पार्टी के लोग हैं वो क्षेत्र वाइज इस पर कार्य कर रहे हैं। हर एरिया में हर क्षेत्र में हमारे जो कमेटी के हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो अल्पसंख्यकों से मिलते हैं उनसे बात करते हैं उनको जो योजनाएं गवर्नमेंट से सरकार द्वारा निकाली जाती हैं वो उन तक पहुंचाते हैं। मुनीर साहब जैसे कि आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बरेली महानगर का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो आप किस तरह से संगठन का विस्तार करेंगे? जो संगठन का जो विस्तार हमें करना है तो हम उसमें ये देखेंगे यहाँ पे अभी कौन कौन जिम्मेदार हैं उनसे वार्ता करेंगे उनसे समझेंगे फिर आगे जो भी होगा। अल्पसंघ में जैसे जैन बौद्ध ईसाई ये सभी लोग जो हैं जातियाँ अल्पसंघ उसमें आती हैं तो कोशिश हम करेंगे कि उनको भी इसमें हम जोड़ें और जोड़ने के बाद उन सब से मिलके और काम करें और गवर्नमेंट से जितनी भी योजनाएँ वगैरह आती हैं कहाँ कहाँ पहुँच रही है कहाँ नहीं पहुँच रही है वो भी कार्य उसको जो है हम पूरा करें सब तरफ। सरकार द्वारा जो योजनाएं भेजी जाती हैं जैसे बेटियों की शादी कराना है और अपना आयुष्मान का जैसे बहुत फोकस चल रहा है उस पर आयुष्मान का भी आ रहा है उसके है ना और कन्याधन के नाम से आ रहा है बेटियों का तो
और दूसरा अपना जो है इसका प्रधानमंत्री योजना है, ऐसी काफ़ी योजनाएं उनकी आती है, जो मैन चार पांच योजनाएं तो मैन ही हैं जो सबको याद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन योजनाओं को जो है जनता तक पहुंचाएं और इससे उनको फ़ायदा हो जनता को।